पंजाब के खेतों में से यार निकलते हुए मतलब मजा आ रहा है। ये बात तो है नहीं, चारों तरफ हरियाली हरियाली, इधर हरियाली उधर हरियाली, पंजाब के खेत हैं यार ये। छोटे छोटे ना मुर्गी के चूजे हैं इसमें, आवाज़ आप सुन रहे होंगे। और ऐसा हो सकता है कि मैं गन्ने का जूस पी बिना चला जाऊँ तो गन्ने का जूस पियेंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज हम कहाँ चल दिए? आज हम चल दिए बहुत लंबे टूर पे। बताऊँगा भी नहीं, बाइक पे बताऊँगा। क्यों? क्योंकि लंबा टूर है। लेट्स गो, चलते हैं। बाइक निकालते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं। नीचे हर बार की तरह ना इधर कोई है और ना ही इधर कोई है, और हम यहाँ पे बाइक निकालते हैं अपनी, रेडी करते हैं उसको, चलते हैं। लेट्स गो। सो भाइयों और गाइस, बाइक हो गई रेडी, तो लेट्स गो करते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी 5:30 हो गए हैं। हर बार की तरह एक और सफ़र जो है शुरू होता है, और ये सफ़र कोई पहाड़ों की तरफ या कोई पुरानी मंजिल या इमारतों की तरफ या कोई पुराना खान पान या रहन सहन की तरफ नहीं। ये सफ़र जो है आज हम चलेंगे एक ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस की तरफ में, जो कि हम सबके मन में, हम सबके दिलों में रहता है। वो एक ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस जो एक ऐसी जगह है जिसका ट्रैक करने के लिए 12 किलोमीटर चलना पड़ता है, और 12 ही किलोमीटर जो है वापस उतर के आना पड़ता है। घोड़े पालकी वगैरह हर जगह जाती है वहाँ पे, लेकिन ये एक सफ़र जो है हम सबके दिलों में जो रहने वाले हैं उनके लिए जो है स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम अगर एक स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे तो हम अपने गांव के मंदिर को छोड़ दें, हम अपने गांव के मंदिर के अंदर भी जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर जो है उस मंदिर की तरफ चलेंगे जिस मंदिर का हमने रास्ता जो है डिसाइड किया है। रास्ते में बातें चीत करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ज़रूर आपको ये वीडियो और आने वाले जो हैं सफ़रनामा वो काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल प्लेस है वो बड़ा ही थका देने वाला, खूबसूरत ट्रैक है, खूबसूरत मंदिर है और खूबसूरत मान्यताओं से भरा हुआ एक जगह है, और हम सबकी दुआएं जो हैं वहाँ पर सुनी जाती है, अब सबकी मनोकामना जो है वहाँ पर पूरी होती है। तो इसी की तरह जो है मैंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना एक स्पिरिचुअल प्लेस पे चला जाए इस बार। तो हमारा सफ़र जो है अब यहीं से शुरू होता है। तो कैसी लग रही है अपनी बाइक? मस्त लग रही है, जबराट लग रही है। आगे से दिखाऊंगा, आगे से कुछ ऐसी लग रही है। फिलहाल तो चलते हैं यार, लेट हो गए काफ़ी, पूरे 1 घंटे से हम जो है लेट हैं, और 1 घंटे से लेट मतलब कि हमें जो है आगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। चले, ओम नमो शिवाय नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेट्स गो। सो भाइयों, तो ऑफिशियल ये राइड जो है अब होती है शुरू, और हमने आप लोगों को बताया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर, वो भी 4 डेज़ के लिए। पहले वैष्णो देवी मंदिर में जाएंगे, उसको कवर कर लेंगे, उसको कवर करने के बाद में फिर देखते हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे, ठीक है? तो ये जो अपनी राइड चलेगी इस बार के 4 दिनों के लिए, लेकिन इस बार सबसे पहले क्या करना है, इस बार हमें करना है कि ज़्यादा ओवर स्पीड करनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है लिमिट में चलानी है। वैसे तो हम हमेशा लिमिट में चलाते हैं, लेकिन कंट्रोल में चलाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये था। तो जल्दी जल्दी दिल्ली से बाहर निकलते हैं, और दिल्ली से बाहर निकलते निकलते आपको जो है बातचीत करते हुए हम चलते हैं, ठीक है? ओके। किसानों के प्रोटेस्ट के बाद में निकलते हुए हम
निकलते हुए मतलब कि हम सिंगू के अंदर से घुस के निकले हैं और ये हमारा फर्स्ट टोल रोड टोल है मेरे ख्याल से, पहला फर्स्ट टोल है और हम आ गए हैं गलत, हमें लेना था पीछे से तरफ से। पीछे तो ले लेता हूँ, हमें लेना था पीछे से, यहाँ से ए यहाँ से हमें लेना था, हम आगे गलत आपसे बतियाते बतियाते। ये चावल के गेहूं के खेत, गेहूं की खेती हो रही है, हमने आपको पहले भी दिखाया था और इस बार फिर से दिखा रहे हैं। लेकिन ये यार कमाल है यार, कैसे नहीं यार, खुशबू अच्छी आ रही है खेतों की। ट्रैक्टर जा रहे हैं, टेम्पो जा रहे हैं लग रहा है मेरे ख्याल से, ये टेम्पो है भाई, अभी अभी मैन्युफैक्चरिंग होकर के आया टेम्पो ही सारे के सारे, अभी इनके ऊपर ट्रॉली लगेगी फिर ये बेहतरीन टेम्पो बन के दिखाएंगे इसके जैसे, फिर ये हमें जो है रास्ते में रोकेंगे। क्या बकवास कर रहा है खली रबाए, अभी मुझे ये नहीं पता कि अंदर कोई है भी या नहीं भी है, और ये गाड़ी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। पीछे ले लेते हम, नहीं शायद कोई दिखाई नहीं दे रहा। द ग्रेट खली दबाए, वाह जिंदगी में हमने सब चीज़ देखी पर खली का डब्बा भी देखना था, ये हमने पहली बार सोचा। देख रहे हो द ग्रेट खली डब्बा, फिलहाल ले लेते हम आगे की तरफ में। यहाँ पे खड़ी कर दी हमने अपनी मशक कर ली, बेचारी बहुत चली, पता नहीं कितनी दूर आ गए हैं हम, लेकिन आ जरूर गए हैं। यहाँ पे रुकते हैं सिंगर के ढाबे में, थोड़ा सा आराम करेंगे, ज़रूर आराम करके चलेंगे। तो गाइस अभी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी देर तक के लिए जो है विश्राम करें, तो हमने डिसाइड किया कि तकरीबन आधे घंटे तक का यहाँ पे आराम करेंगे, उसके बाद में जो है हम कहीं और निकलेंगे, कहीं और नहीं मतलब अपनी वैष्णो देवी का जो ट्रिप है उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है 170 किलोमीटर जो है बाइक को चला चुके हैं ऑलरेडी, तो रास्ता खतरनाक है, खतरनाक मतलब कि ठंड है बहुत। तो खाना खाते हैं, हमने एक पराठा ऑर्डर जो कर दिया और पराठा भी यहाँ से जो है खाएंगे, तो ऐसे ही जो धीरे 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 जो है आपको जो है रास्ते ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखाएंगे हम आपको डेस्टिनेशन वो भी बढ़िया से बढ़िया, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो चलो तो मिस्टर कक्कड़ यहाँ से बस चाय वाय पीनी थी, एक घंटे दो घंटे चला ली, अब जो है यहाँ से निकलते हैं क्योंकि लंबा सफ़र है। वैसे मज़ा आने वाला है इस सफ़र में, ज़रूर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो बाइक खींच के लेके लाया हूँ ना मैं वो 120 के ऊपर में इसलिए, वाह यार मज़ा ज़रूर आएगा। अरे भाइयों ये तो दिक्कत ही हो गई यार, कसम से बता रहा हूँ, इंटरनेट ही बंद है, इंटरनेट बंद है तो हमारी जो आँख है वो बंद हो गई है, एक हमारी जो तीसरी दृष्टि थी मोबाइल वाली वो बंद हो गई है, अब उससे हमें ये हो रहा है कि रास्ता जो है रास्ता नहीं पता चल रहा कि कहाँ से मोड़ना कहाँ पे मुड़ना है, पूछ पूछ के पता करना पड़ रहा है, पता नहीं यार ये क्या होगा क्या होगा क्या, ये भी नहीं पता मेरे को, अब जो भी है वो बस इसी के भरोसे चल रहा हूँ मैं, पुलिस वालों से पूछ पूछ के। फार्मर प्रोटेस्ट के कारण से जो है यहाँ पे इंटरनेट बंद किया हुआ है, इसके कारण से जो है ये हो रखा है, लेकिन क्या करें हर किसी का अपना एक कर्म है, वो अपना कर्म कर रहे हैं और हम अपना कर्म कर रहे हैं। कैसी दिव्य वाली बात करने लग गया मैं, ये देखना कूदती हुई जा रही है ट्रॉली, हम भी वैसे कुदाते हुए चल रहे हैं। पता नहीं पिछले कितने देर से मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ क्या कर रहा हूँ कुछ पता नहीं चल रहा, थैंक यू टू विजिट तो बोल रखा लेकिन
कहाँ पर हूँ मैं, ये समझ में नहीं आ रहा। एक तो नेट भी तो नहीं चल रहा यार यहाँ पे, मतलब कि गजब ही हो गया ये तो। हालांकि मेरे को पता था कि नेट नहीं चल रहा, लेकिन उस थोड़े से एरिया में नहीं चल रहा, करे पूरे पंजाब में नहीं चल रहा। अब पंजाब में चल भी रहा था वहाँ चल रहा, जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी है भी नहीं। हम जहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएं, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, हम अपनी डेस्टिनेशन में जो है जाएंगे ज़रूर। और हर बार आपको जो है रेल ज़रूर दिखाएंगे, रेल का फाटक है तो रेल पक्का ही पक्का दिखाएंगे आपको, है ना। आने दो फिर रेल को, रेल आने दो। ये गई रेल कालका, पता नहीं नई दिल्ली से कहाँ जा रही है, कलंका जा रही है भाई, शताब्दी है भाई। यार बढ़िया लग रहे हैं ना गेहूं के खेत, वैसे गेहूं के खेत बढ़िया लग रहे हैं। हालांकि मैं बहुत लेट हो चुका हूं, लेकिन मज़ा जो है वो चलता रहना चाहिए। ये बात तो मैंने देखी है, मज़ा चलता रहना चाहिए। हम लेट हो चुके हैं, पूरे 3 घंटे से लेट हम, इसलिए हम आराम से ही जाएंगे अब। क्या पंजाब के खेतों में से यार निकलते हुए मतलब मज़ा आ रहा है, ये बात तो है। नहीं, चारों तरफ हरियाली हरियाली, इधर हरियाली उधर हरियाली, पंजाब के खेत हैं यार ये। लो भाई पंजाब के खेत, लाजवाब खेत। पता नहीं किस गांव में से निकाल के लेके जा रही है गूगल वाली मैडम। गूगल वाली मैडम किसी दिन मिल गई ना, तेरे को थप्पड़ा ही दूंगा मैं, कसम से बता रहा हूँ। चाहे मेरे खिलाफ में जो है अहिंसा का केस ही क्यों ना हो जाए, जहाँ जहाँ से तू निकालते है ना, वहाँ वहाँ से कोई नहीं निकल रहा कभी भी। गूगल वाली मैडम, पता नहीं यार कौन से गांव में से निकाल रही है ये, और मैं भी इसकी बात सुने जा रहा हूँ इतनी देर से। समझ में नहीं आ रहा यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब रास्ता ना पता हो ना, और जब रास्ते में से ऐसे निकले तो ना बहुत दुख होता है, और उससे ज़्यादा दुख ये होता है कि यार काश अपने घर पे ही रहे होते। कसम से बता रहा हूँ, एक तो रास्ता गलत मिला, ऊपर से अब ये वाला रास्ता मिला, अब इसमें भी ये गांव के रास्ते से निकाल के दिखा रही है। पता नहीं क्या कर रही है ये गूगल वाली मैडम। भैया सारे कांड आज ही होने थे, कसम से बता रहा हूँ। पेट्रोल भी नहीं है, लो फ्यूल दिखा रही है, ऊपर से जाम लगा हुआ, मेरे को ये नहीं पता कि कब बंद हो जाएगी ये बाइक। देखना वो गाड़ी पे बच्ची कैसे सो रही है। टंकी के ऊपर सो रही है यार वो। कसम से जहर है जहर। हमारे साधन ना वैसे एक से एक बढ़ के कांड होते हैं हमारे साधन में। हमारी बाइक का ही हॉर्न जो खराब हो गया था, अब उससे ये पता चल रहा है कि हॉर्न खराब है, अब हॉर्न डलवाना पड़ रहा है। बढ़िया चलेगा ना पाजी? बाजी कोई गारंटी वारंटी चल जाएगा ना? बढ़िया चलता ना? अब देखो हॉर्न लगवा रहे हैं, जब हॉर्न लगेगा उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। बजा के देखो एक बारी,
और तेज हो रहा ना, और तेज। हाँ दिखाना। तो भाइयों अब हम रुक गए हैं एक ढाबे पे खाना पीना खाने के लिए, और आपको एक अनोखी चीज़ दिखाऊं। ये देखो छोटे छोटे ना मुर्गी के चूजे हैं इसमें, आवाज़ आप सुन रहे होंगे। छोटे छोटे मुर्गी के चूजे हैं, छोटे छोटे सारे। बोल चला गया, थोड़ा सा यार आराम करेंगे तकरीबन आधे घंटे तक का, उसके बाद चलाएंगे। पता नहीं क्यों चलाएंगे, मैं आराम करूँगा। तो अभी हम जुम क्या हैं, हम रुके खाने पीने के लिए। हमने ऑर्डर कर दिया क्या, हमने ऑर्डर किया राजमा और रोटियां, साथ में सैलेड भी है। ये देखो सैलेड है। तो यहाँ पर टाइम जो है अभी 3 बजे हुए हैं दिन के। तो अभी जो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा आराम, यानी कि लेटेंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि ना बाइक चलाते चलाते बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमारे 2 घंटे जो सुबह ख़राब हुए हैं वहाँ पे चंडीगढ़ पे आने के लिए, घूमते घूमते के लिए। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, आधे घंटे तक रेस्ट करेंगे। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, हम लोग बात किए स्थानीय से, तो उन्होंने बताया कि पहुँच जाएंगे हम तकरीबन काफ़ी देर तक, मैक्सिमम 6 बजे तक तो जो है जम्मू पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद में 1 घंटा और है तो हम पहुँच जाएंगे। तो चलेंगे, पक्का चलेंगे। तो चले जानो यहाँ से, चल धनो तो नहीं है, चल मसकली धनो तो पता नहीं कहाँ गई, बेच दिया तेरे कारण उसको। है बढ़िया सी डेस्टिनेशन थी यार। अब निकलते हैं यहाँ से, यहाँ से जो है अपनी डेस्टिनेशन जो है 250 किलोमीटर की बची है। अभी इसी पे ही चलना, हमें ज़्यादा रास्ते दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि रास्ते दिखा कोई फ़ायदा नहीं है। सपनों की खोज, और उन सपनों की खोज जिनको बचपन से देखते हुए बड़े हुए, उनको पूरे करने की चाह और इच्छा कुछ ऐसे ही पूरे नहीं होंगे। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, और शाम से फिर रात होकर फिर सुबह सुबह हो जाती है, लेकिन सपनों की खोज जो है चलती रहती है। इसी प्रकार से हर रोज़ कभी कभार निकलता हूँ उन्हीं सपनों की खोज में, कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन हाँ पूरा ज़रूर करता हूँ। सपने बड़े देखे थे, लेकिन अब जो है उनको पूरा करने का समय जो है आ भी रहा है, और हर वक्त हर जगह जाऊंगा जहां जहां सोचा था। और ऐसा हो सकता है कि मैं गन्ने का जूस पी बिना चला जाऊँ, तो गन्ने का जूस पियेंगे। अपने सफ़र का मज़ा तब है जब आपको मंजिल की परवाह ना हो, और मंजिल की परवाह होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सफ़र जो है रास्तों का होता है, और रास्ते जो है बहुत खूबसूरत होते हैं। कितनी मस्त डेस्टिनेशन है ये। वाह यार क्या सीन देखने को मिला, वाह। सुबह से लेके ये टाइम हो गया, अब जाके हमें ये सब चीज़ देखने को मिली है, वाह। और अभी शाम के टाइम में और मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा, मतलब और मज़ा आएगा। तो अब जो है हमें देख करके चलानी पड़ेगी, वो भी कंट्रोल में। तो भाइयों इस फोटो के अनुसार से हम पहुंच चुके हैं जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर। ये एक और स्टेट कंप्लीट, एक और स्टेट में हमारी एंट्री हो गई है। यस ऐसे ही चलेगा हमारा काफी काफी आना।
हर जगह जाएंगे हम, हर जगह जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे हम ऐसे ही। Come on, it's a birthday, yes। तो हम चलते हैं, हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जम्मू में हम जो एंट्री हो गई है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, अब यहाँ से जो है हमें कतरा करना, जम्मू यहाँ से बच गया 90 किलोमीटर, तो उसको भी जल्दी जल्दी हम जो है कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही जम्मू की टेरिटरी में पहुँचोगे तो ये जो तुम्हारा नेटवर्क है ये मर जाएगा, ये बोलेगा कि मैं नहीं चल रहा हूँ यहाँ पे, तो यार इसका भी ठिकाना करना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, दूसरा फ़ोन चलाता हूँ अपना। निकल भाई आईफोन निकल, अपना छोटा सा आईफोन है, उस आईफोन में डली हुई है सिम। अरे भाई वो एक नदी दिखाई दी है बड़े देर से, देखना कौन सी नदी है ये, पता नहीं मेरे को तो पता नहीं है ये कौन सी नदी है, लेकिन है बड़ी ज़्यादा आसू नदी। अरे भाई यो जम्मू में आओ तो यार एक सिम लेकर के आओ पोस्ट पेड, नहीं तो फिर यहाँ पे आके एक सिम खरीदनी पड़ेगी, नेटवर्क नहीं आ रहा है यार। और ये हर ब्लॉगर बताता है तो इसलिए मैंने बता दिया, हालांकि मेरे पास पोस्ट पेड सिम है मेरे ऑफिस वाली, मैं ऑफिस वाले का यूज़ करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है उसमें मेरे बैग में कति कोने में पड़ी हुई है एक पिन, उस पिन से जो वो सिम निकाली जाती है वो वाली पिन पड़ी है, अब उसको रोक के पूरा बैग खुलेगा तब जाके वो निकलेगी सिम पिन, नहीं जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक मैं सिम डाल नहीं पाऊँगा। कमाल, चले जाएं क्या हम भी? ए भेड़, ए मसकली, ए ऐश्वर्या, ऐश्वर्या तो चली गई ले, प्रियंका चोपड़ा भी थी बोल रही थी मैं आऊँ क्या, मैं आऊँ ऐसे करके बोल रही थी। ये बिल्ली की आवाज़ निकाल दी ना मैंने, है ना यार, छोड़ यार। अरे वहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहा क्या? यस, सुबह से लेके ये टाइम आ गया, अब पहाड़ दिखाई दिया यहाँ का। ये आ गया भाई, क्या शानदार क्या दृश्य है ये सूरज का, कैच कैच पकड़ नहीं पाए भाई, एक बात तो है रोशनी है, वाह यार। एक आधे फोटो वोटो खींचते हैं रोक के कहीं पे भाई, कभी ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा यार रात के अंधेरे में, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि रात के अंधेरे में जो है थोड़ी देर तक चलाएंगे। हमने कहा था रास्ता जो है वो खूबसूरत होता है एक मंजिल के बजाय, लेकिन एक मंजिल तब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है जब एक धार्मिक प्लेस जहाँ पे हो, और वो धार्मिक प्लेस को पास जाने के लिए जो उसके रास्ते होते हैं वो कठिन इसलिए बनाए जाते हैं कि मनोविज्ञान या फिर मनोउत्साहित किया जा सके। सो हेलो गाइस, तो देर रात तक जो है हम बाइक चलाते चलाते जो है हम पहुंच गए थे अपने होटल में, और ये कुछ जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये मेरे होटल के रूम का अंदर का नज़ारा है। तो ब्लॉग जो है हम क्लोज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है चलेंगे अब डायरेक्ट तरफ, किस तरफ, माँ वैष्णो देवी की तरफ में। तो उम्मीद है पहला ब्लॉग जो है आपको अटपटा लगा हुआ क्योंकि रास्ते दिखाए होंगे, लेकिन उसी पहले ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे इसी के अंदर में जो है आगे की तरफ जो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम कहाँ पर, माँ वैष्णो देवी की ट्रैकिंग करने के लिए। तो हम निकल लिए हैं नहा धो के वैष्णो देवी ट्रैक करने के लिए, तो आज पूरा दिन यहाँ पे लगाएंगे। बैग जो हमने पैक कर लिया है, और ये कुछ ऐसा पूरा हमारा रूम है, टीवी हमने चलाते नहीं कभी भी क्योंकि हम घर पे ही नहीं देखते, तो यहाँ पे क्या करेंगे देख के। तो चलो फिर चलते चलते हैं, चाय वाय पीनी है नहीं यार, रास्ते में पियेंगे चाय और कुछ और करते हैं, चलो फिर चलो निकलते हैं।